नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज मैं बताऊंगी हम अदरक लहसुन का पेस्ट महीनों तक कैसे स्टोर कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने 50 ग्राम लहसुन लिया है, 50 ग्राम अदरक लिया है जिनको मैंने छील लिया है, और मैंने नमक लिया है 2 चम्मच जिसको मैंने तवे पे सेक लिया है अच्छे से। इससे हमारे जो पेस्ट है वो खराब नहीं होगा। वेनेगर लिया है 2 चम्मच, हम वेनेगर यूज करेंगे। इसकी जगह आप कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर ये लहसुन डाल देंगे सारा, और अदरक भी डाल देंगे, और इसको ग्राइंड करेंगे। हमें पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना, हमारा लहसुन अदरक एकदम सूखे होने चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। जार, चम्मच जिसमें हम स्टोर करेंगे वो जार सभी हमारे गीले नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारा पेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। देखिए अभी ये ग्राइंड नहीं हुआ है, हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसके अंदर। देखिए थोड़ा दरदरा सा हो गया है। अब हम इसके अंदर ये नमक डाल देंगे। नमक भून के डालने से हमारा जो पेस्ट है वो काफी दिनों तक चलता है। वेनेगर डाल देंगे इसके अंदर 2 चम्मच, आप इसे 2-3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, हमें पेस्ट बनाना है इसका, और पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, आप कुकिंग ऑयल भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये पेस्ट बन चुका है। जो भी हम चम्मच यूज करें, मिक्सी का जार यूज करें, वो उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा पेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। अब हम इस तरह की कोई कांच की बॉटल लेंगे, वो भी सूखी होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए एकदम, नहीं तो हमारा पेस्ट खराब हो जाएगा। अब हम ये इसके अंदर भर देंगे पेस्ट को जो हमने ग्राइंड कर रखा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा पेस्ट इसके अंदर भर दिया है। हम इसे बंद करके फ्रीज में रख के 2-3 महीनों तक इसे यूज कर सकते हैं। ये काफी अच्छा पेस्ट बना है, आप जब जी चाहे इसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।